हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चे, आज आप मॉडर्न अलजेब्रा, बेसिकली अलजेब्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, और कॉलेज में आके, और कॉलेज से पहले जो स्कूल में था वो सिंपली अलजेब्रा था, अब मॉडर्न अलजेब्रा है। तो थोड़ा ध्यान से कदम रखेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो आप ग्रेजुएशन में, थ्रू आउट द ग्रेजुएशन अपने करेंगे। उसमें आपका ग्रुप्स है, उसमें आपका रिंग्स है, उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा है। पहले वाले सेमेस्टर में इन सबसे पहले थोड़ा आपको पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है, पॉलिनॉमियल्स, थोड़ा सा आपको फंक्शंस का काम करना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट समझना है, और थोड़ा सा आपको मेट्रिसेस से डील करना है। अच्छा, ये मेट्रिसेस वाला पार्ट देख के ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेट्रिसेस वाला पार्ट होने वाला है, उसमें 12th क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में 3x3 मेट्रिक्स ही होता था, है ना? बट यहाँ 3x4, 4x6 बड़े बड़े मेट्रिसेस भी होंगे, तो उतना आसानी से आप डील नहीं कर पाएंगे जितना आसानी से आप 12th क्लास तक डील कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें करनी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ कराऊंगा जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस काम आएगी, खाली पहले सेमेस्टर्स में नहीं, आगे भी काम आएगा, कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो आई होप यू आर रेडी। देखो बच्चे, सबसे पहले बेसिक नंबर्स से शुरू करते हैं। अलजेब्रा मीन्स नंबर्स। इसके पहले कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया जाए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ऐसे लिखा है तो क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। आपको यही पैटर्न, यही नोटेशन फॉलो करना है। इसको आई एन नहीं पढ़ना है। दिस इज़ फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज़ फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इसको आई आर नहीं पढ़ना। आपने रियल एनालिसिस में सिंबल देखा भी होगा, दिस इज़ नॉट आई आर, ये ऐसे ही बनाना है। अगर आप कोई बुक वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि डार्क करके लिखा हुआ है। जस्ट वेट, मैं वो भी बता देता हूँ। किताबों में ऐसे लिख देते हैं। अब आप अपने आप से पूछो, अगर आपको डार्क करके लिखना पड़ जाए नोटबुक में या एग्जामिनेशन में, कितनी बार डार्क करके लिखेंगे? एक बार, दो बार, 10 बार? संभव नहीं है ना। एक आध बार तो इंसान फिर भी कर लेगा। तो इसलिए ये नोटेशन छोड़िए और ये वाला नोटेशन पकड़िए। तो ज़रा इन पर बात करते हैं बेटा। पहला है नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? एन का सेट है आपका 1, 2, 3, 4, एकदम बेसिक। नंबर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है आपका 0, ±1, ±2, ±3। नंबर थ्री रैशनल्स, लेट मी राइट क्यू हियर बिकॉज नीचे तक लिखना है। हाँ जी, इट इज P/Q वेयर। खाली ये नहीं बोलना है कि क्यू नॉन जीरो है, सब कुछ सारा डिस्क्रिप्शन आपको देना ही पड़ेगा। एक तो ये इंटीजर्स हैं, उसमें से जो डिनोमिनेटर में निचला हिस्सा है या जो नीचे लिखा गया है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नंबर फोर रियल्स, बेटा आर होता है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू रैशनल है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉट रैशनल या इरेशनल आप कह सकते हैं। नंबर फाइव कॉम्प्लेक्स, जी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C=A+iB वेयर A and B आर रियल नंबर्स। हाँ जी, आप सब लोग भाई, ये आपका पहला कदम है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। आप सबको सबको बताया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको धीरे धीरे। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, पहले तो ये नोटेशन NZQRC, इसको कस के पकड़ लीजिए। यही नोटेशन आपको अगले 3 साल तक लिखनी है, यूज़ करनी है। इसके अलावा कुछ और लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद आपको जो चीज़ पढ़नी है वो है सेट थ्योरी में कंटेंट वाला अप्रोच, सबसेट वाला अप्रोच।
अरे बेटा ये ए है ये बी है, तो व्हाट डू मीन बाय सेइंग ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जितने मेंबर्स ए में वो सब के सब बी में होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ऐसा कंपैरिजन क्या इन सेट्स के बीच में हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है और हो रहा है। बट अब पहले वाले देखिए, ये सारे मेंबर्स तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो एन तो जेड में नेचुरली कंटेंट हो गई। अच्छा जी चलिए ये तो समझ में आता है। नेक्स्ट, अब जो क्लैरिटी यहाँ थी वो क्लैरिटी यहाँ थोड़ी सी खो गई है, अगर यहाँ एलिमेंट्स लिख दिए जाएँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ फिर भी ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं रहा कि कंटेंट है या क्या है, एलिमेंट्स ही नहीं समझ में आ रहे, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ का हर मेंबर कैसा है? ये पी इंडिविजुअली इंटीजर है, क्यू इंडिविजुअली इंटीजर है, और क्यू नॉन जीरो है। देखो मेरे बेटा, थ्री कैन बी रिटन एज 3/1, -3 कैन बी रिटन एज -3, इवन 0 कैन बी रिटन एज 0/1। अगर आप कॉन्शियसली नोट करेंगे तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, एम आई राइट? और अब वो जाके रैशनल बन गए, तो दैट मीन्स एवरी इंटीजर आप रैशनल बना सकते हैं, तो इंटीजर्स का सेट रैशनल नंबर्स के सेट में कंटेन, एन इज कंटेन इन जेड इज कंटेन इन क्यू। नेक्स्ट, अब रियल नंबर्स पे आइए। भाई रियल नंबर है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको छुपा भी लूँ तो ये यूनियन का साइन आपको बता रहा है कि रैशनल में कुछ मिलाया गया। आपने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, अगर आप लिख रहे हैं कैपिटल ए यूनियन कैपिटल बी, तो कैपिटल ए यूनियन कैपिटल बी सिंपली मीन्स ए के साथ कुछ ऐड ही हो रहा है, कुछ निकल थोड़े ना रहा है, तो जो भी बनेगा नया सेट यूनियन वाला वो या तो ए बन जाएगा या ऐसे बड़ा बनेगा, ज़्यादा ही बनेगा। आप बताओ ज़रा प्रैक्टिकली, ये जो यूनियन है आई थिंक ये क्यू से तो ज़्यादा ही रहेगा, तो दिस होल थिंग इज़ कंटेन इन दिस, सो एन इज कंटेन इन जेड इज कंटेन इन क्यू इज कंटेन इन आर। हाँ जी यहाँ तक सबको क्लियर है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं, इज इट क्लियर? यस सर। ग्रेट। अब लास्टली ये पहले चार को तो आप लोगों ने कंपेयर कर लिया, अब रियल को कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करने में थोड़ी सी परेशानी बच्चे को ये होती है कि स्कूल में तो पढ़ ही लिया था, रियल मतलब रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स में तो आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर भी आता है। अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से भी सोचें तो रियल और इमेजिनरी में तो कंपेरिजन होना नहीं चाहिए, बट इट्स नॉट ट्रू, देर इज़ अ कंपेरिजन। वो कंपेरिजन कुछ ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, जी ये सारे के सारे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कंपेरिजन हो सकता है? देखो भाई, 5 कैन बी रिटन एज 5+0 iota, -5 कैन बी रिटन एज -5+0 iota, 0 कैन बी रिटन एज 0+0 iota। गिव मी वन सेकेंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मैम। मैसेज जी, 5 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 2/3, 2/3 कैन बी रिटन एज 2/3+0 iota। लास्टली √2, मैसेज आ रहा है मैम बार बार, हाँ डिस्टर्ब हो रहा है। √2 कैन बी रिटन एज √2+0 iota। आप समझदारी से आप सभी बच्चे देख सकते हैं, देखो भाई ये एक नेचुरल नंबर है एंड नाउ इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये तीनों आपके इंटीजर्स हो गए नाउ दे आर कॉम्प्लेक्स, ये आपका रैशनल नंबर हो गया नाउ इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये इरेशनल हो गया नाउ इट इज़, ओहो जो सारे के सारे नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले रहे हैं, तो क्या समझ में आया आपको? ये सारे के सारे कहाँ बैठे हुए हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो यस हाँ जी, ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया? हेलो, इज द आर्ग्यूमेंट? ग्रेट। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, समथिंग फॉर योर लाइफ आई शुड से। देखो जी, एन जेड क्यू आर सी डायग्रामेटिकली एन जेड क्यू आर सी, रियल एनालिसिस नाम का सब्जेक्ट है आपके पास, आगे भी होगा, बट ये ना समझे कि रियल एनालिसिस सब्जेक्ट है तो रियल का सेट सबसे बड़ा है, कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, रियल नंबर्स का सेट हमारे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नहीं होता है, ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा है बट नॉट द बिगेस्ट, द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड द दादाजी ऑफ आवर नंबर सिस्टम इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, काम आएगी। एन इज कंटेन इन जेड इज कंटेन इन क्यू इज कंटेन इन आर इज कंटेन इन सी। यस, हमारे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट क्या है माय डियर, बताइए, लिख लीजिए ऑल ऑफ यू प्लीज।
और अगर साथ साथ पूरी तरह ना भी लिख पाओ तो क्लास के बाद तो आपको स्लाइड्स मिल ही जाएंगी, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, साथ साथ लिखने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर। आगे देखो भाई, मैं क्या कराने जा रहा हूँ आज आपको, थोड़ा सा मिठास भरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब जबकि हमें ये पता लग गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा है, थोड़ा उसके अंदर और चलते हैं और काम की चीज़ करते हैं। स्कूल में ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, आज भी है, बट यहाँ नंबर सिस्टम में इसको बोला जाता है रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस। आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ऑल ऑफ यू, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, तो मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। अच्छा जी, इसका रियल पार्ट कितना है 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, वो तो आप सबको नज़र आ ही रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आप समझे नहीं भाई, देखो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। इफ़ आई यस इफ़ आई एम गोइंग टू राइट दिस 2 + 3 आयोटा, तो डेफिनेट सी बात है 2 यहाँ आएगा 3 यहाँ, एम आई राइट? यस सर। तो जो आपने स्कूल में पढ़ा था आर स्क्वायर, वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 3, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए आप लोग, जब कभी भी आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा आएगा तो आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा अपने काम के लिए एक्स कॉमा वाई से, बिल्कुल कर सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कमिंग, जेड बिलोंग्स टू सी, अपनी तरफ से मान लो जेड इज ऑफ द टाइप एक्स प्लस आयोटा वाई, देन नंबर वन व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई, वाई इट्स नॉट आयोटा वाई इट्स वाई, जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, अब इसका रियल पार्ट कितना है 5, इमेजिनरी 2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर टू, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको पता ही है माय डियर। नंबर थ्री, मॉडुलस भी पता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, कैसे नहीं, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज दैट ओके? ओके सर। सेकंड वाला नहीं समझ आया। बेटा सेकंड वाला तो समझने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया गया, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई अगर जेड लिख रहे हैं आप 2 + 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या लिया जाता है जेड बार, 2 - 3 आयोटा, इसमें तो क्या समझाएंगे, तो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स, जहाँ जहाँ आयोटा लिखा है वहाँ माइनस साइन लगा दो। अच्छा, मैं ये मॉडुलस पे बात करना चाहूँगा, ऑल ऑफ यू ज़रा ध्यान दीजिए इधर, आप सभी लोग, सब बच्चे ध्यान देंगे भाई। मान लीजिए आपने जेड को लिया, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था 2 + 3 आयोटा, तो इसको अगर आपको एक्स वाई प्लेन में आइडेंटिफाई करना है तो क्या इसको आप 2, 3 लिख सकते हैं, यस और नो? सो जेड को लिया आपने एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एक्स वाई से, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट आया है आपका 0 0, अगर आपने स्कूल में ये पॉइंट हो गया आपका एक्स वाई, स्कूल में अगर आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, ज़रा बताइए डिस्टेंस कितना होता है, स्कूल वाला लगाओ भाई कॉन्सेप्ट, बताओ अंडर रूट में एक्स माइ, ये है ना डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट में एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, एम आई राइट? यस सर। तो ये तो हो गया, हाँ जी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का मतलब जेड और जीरो का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जीरो, मॉड जेड माइनस 0 विच इज मॉड जेड, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आपको मॉडुलस कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ओके लेट मी राइट हियर। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, जरा जरा फटाफट से बताइए व्हाट इज जेड प्लस जेड बार, हाँ भाई ये जेड है और ये जेड बार है, ऐड करके बताओ क्या रहेगा क्या जाएगा, इस ये ठीक, ये हाँ बिल्कुल ठीक बात है, देखते जाइए इधर,
दिस इज 2x, ध्यान से देखिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करो, नए नए बच्चे हो, अभी आराम से चलिए, बहुत कुछ करना है आप लोगों को। सो इट इज़ 2iy, 2iy, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज जेड जेड बार? जेड जेड बार आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक से बात करो, ठीक है? हेलो, हाँ जी, अब आगे देखेंगे आप सभी लोग, ध्यान से देखेंगे, एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड। ये तीन आंसर्स आपके सामने निकाल के रखे गए हैं, अब देखिएगा क्या चेंजेस आएंगे। z प्लस जेड बार, z माइनस जेड बार, जेड जेड बार, आंसर एक्स वाई में नहीं लिखना है, आंसर z में ही लिखना है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यस और नो? बोलो बेटा, डेफिनेटली yes, ये हो गया आपका 2iota टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो दिस शुड बी क्लियर। ये क्या चीज़ है? अरे ये रहना यार, देखो ना, देखते नहीं हो, समझ में आ गया? व्हाट इज जेड जेड बार? मॉड जेड स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना है, अच्छे से देख लीजिए बेटा जी, क्लियर है सब कुछ? यस सर। ग्रेट, आगे देखिए, इतना लिखिए पहले, बोलो फिर। लिखो भाई, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जलवा देखना है, धीरे धीरे चलेंगे। ओके, फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट यूजफुल थिंग इज़ कमिंग, द मोस्ट यूजफुल। ये सब कहीं ना कहीं आपने 11th 12th क्लास में किया ही है। हाँ जी, पांचवा देखेंगे बेटा, पोलर फॉर्म। ये बहुत काम की चीज़ है, और ज़रा साथ आ जाइएगा, इस पर काम होगा अच्छे से, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। देखो भैया, पोलर फॉर्म क्या होता है, एवरी वन आइज ऑन द बोर्ड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे आपको समझाया था, इसको x कॉमा वाई से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कराते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं r, इतना तो मिनिमम है, बेसिक मिनिमम है, कुछ लेंथ रहा होगा, मॉड z है ऑब्वियसली, वो r हो गया, या एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हो गया। अब ज़रा साथ आ जाओ भाई, अगर ये एक्स वाई है, जैसे थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया था, तो एक्स एक्सिस में ये लेंथ एक्स हो गया, y एक्सिस में ए लेंथ y हो गया। अब मैं यहाँ एक ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ, उधर साथ आ जाइए, ये ट्राइंगल है, लुक एट दिस ट्राइंगल केयरफुली, ध्यान से देखिए, जब इतना लेंथ y है तो फिर तो ये y है और ये तो x है ही। ये ट्राइंगल को अच्छे से देखिए, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। यस ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेल मी,
कॉस थीटा कितना आएगा, एन साइन थीटा कितना आएगा, आप सभी लोग बोलना पड़ेगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं भाई, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, 20 बरस से पढ़ा रहा हूँ मैं, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ऑनलाइन जाके वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है कोरोना में। तो ज़रा यहाँ से भी कुछ बोलिए, ऐसे बैठिए नहीं चुप चुप। हेलो सक्षम cos हर्षित। theta is equals to x by r. cos theta is x by r, sin theta is y by r. So x is r cos theta polar form, y is r sin theta. थोड़ा अंदर घुस घुस के पढ़ लेंगे तो पक्का हो जाएगा, ध्यान से देखो। अभी हम ये पोलर फॉर्म पे बात करेंगे, लेट मी राइट हियर। पोलर फॉर्म ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। देखो मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा, अगर z को आपने x प्लस आयोटा वाई लिखना है तो x की जगह और y की जगह क्या क्या लिख सकते हैं? प्लस आयोटा r साइन थीटा। द सेम थिंग कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सुन लीजिए, अभी तो शुरू शुरू किया है आपने अलजेब्रा का सफ़र। द सेम थिंग कैन बी रिटन एज यस 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 यस, टेक इट टू योर अकाउंट, e raised to power i theta, this is equal to, ये notation है भाई, this is notation, e i theta can always be written as cos theta plus i theta, ध्यान रखना, कोई भी किताब उठा लीजिए, ये notation है। so ये सब forms जो हैं आपकी polar forms में, obviously जहाँ theta आ गया वही r theta आ गया वो polar form है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये last वाला भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ काफ़ी सारा काम किया जा सकता है, but this should be sufficient। अभी क्या करेंगे आप लोग? हाँ जी, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए उसका r cos थीटा r sin थीटा मौजूद है, यानी उसका पोलर फॉर्म मौजूद है। अभी हम विद इन फाइव टू सेवन मिनट्स कुछ बहुत अच्छे नंबर्स का पोलर फॉर्म निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ आने वाली है। अभी लिखो ऑल ऑफ यू। Done? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लास के बाद आप सबको स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी, बस ट्राई टू बी रेगुलर, साथ साथ क्लास के साथ साथ कर लीजिए या तुरंत बाद कर लीजिए, ट्राई टू बी रेगुलर। हाँ जी, अब पोलर फॉर्म पढ़ेंगे हम कुछ बहुत अच्छे नंबर्स का। बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, जो भी आपने 11th 12th क्लास में किया है दैट इज़ फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट। वन का पोलर फॉर्म, माइनस वन का पोलर फॉर्म, वन प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म, ये सारे नंबर्स, कई सारे नंबर्स हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो वन और माइनस वन का पोलर फॉर्म है, लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगा, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें ज़्यादा। यस, ये डायग्राम देखिए ज़रा आप लोग। भाई ये डायग्राम देख के बताओ आप लोग, आपका दिल क्या कह रहा है? ये जो फंक्शन बना हुआ है आपके सामने, ये कितने इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है? यस, तीन में कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। द नेचर, नेचर की बात हो रही है, वैल्यू नहीं, द नेचर ऑफ द फंक्शन ऑन 03 इज अपेरेंट इज सेम एज द नेचर ऑफ द फंक्शन ऑन 36 इज सेम एज ऑन 69। तो ऐसे करते हैं ना, ये सब कुछ पढ़ने के बजाय खाली 03 पे पढ़ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको पीरियड, तो इस फंक्शन का पीरियड है 3 यूनिट्स। हाँ जी, अब कितने यूनिट्स हो जाता? चलिए इतनी तो समझ है ही आपने, जरा साथ आइए एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। सॉरी,
बस मैं कुछ छोटी सी चीज पूछने वाला हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए। उधर नेगेटिव साइड में तो जा नहीं रहे, बट आप समझ रहे हैं सेम होगा। हाँ जी, अगर ये फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या है बेटा, ऐसे ही बता दो ना जल्दी से। यूनिट। हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो एवरीवन, भाई ये बेसिक नॉलेज की चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए। बेटा जी पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है? पीरियड ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? एंड द पीरियड ऑफ टेन एक्स कितना होता है? ये आप सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप कहो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, बट पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, ये भी 2 पाई और ये है आपका पाई। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमें कैसे पता लगेगा? अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था जिसमें 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई करके आपसे पूछा गया था, बेटा वो कॉस का ग्राफ है। हाँ लिटरली स्पीकिंग वो कॉस का ग्राफ है। कॉस 0 कितना होता है बताओ भाई? कॉस 0 कितना होता है? 1। भाई देखो पहली क्लास में हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। कॉस 0 इज 1, मजाक जस्ट जोकिंग प्लीज। हाँ ये कॉस का ग्राफ है, कॉस पाई माइनस 1 है, ये कॉस का ग्राफ है माय डियर, आप समझ रहे हैं? जैसे बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ये जो यहाँ बनेगा वही अगले 2 पाई में बनेगा, वही अगले 2 पाई में, ठीक है ना? इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो ये तो एग्री कर गए आप। अच्छा अब दूसरी चीज़ बेटा, ये ज़रा पिक्चर देख के बताइए, ये बच्चों को तो बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा ना, कर तो कुछ सकते नहीं, नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा, ऐसे ही बता दो बेटा। ये ग्राफ देख के बताइए, पीरियड कितने यूनिट आ रहे हैं? कितने यूनिट आ रहे हैं? 3 यूनिट आ रहे हैं, शाबाश। तो क्या आप एग्री करते हैं जितना फंक्शन इस एक्स पॉइंट पे होगा बिल्कुल उतना ही फंक्शन एक्स प्लस 3 पे होगा, 3 यूनिट ऐड करने के बाद बिल्कुल उतना ही फंक्शन एक्स प्लस 3 पे होगा? बोलो बेटा। तो अगर अगर किसी फंक्शन का पीरियड 3 यूनिट से, तो वहाँ से क्या पता लगता है कि जितना एफ एक्स लिखना है उतना ही 3 3 ऐड करके लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एम आई राइट? पिक्चर आपके सामने है। हाँ बोलो। एक्स प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। हाँ जी, अब आपको भी पता है 3 6 9 मल्टीपल ऑफ 3, तो शुड आई से, कैन आई से एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस 3 के? बेटा थोड़ा सा बोल दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ऊपर आइए इधर ऑल ऑफ यू। बेटा पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, दिस सिंपली मीन्स जितना साइन एक्स में है बिल्कुल उतना ही साइन एक्स प्लस 2 पाई में है। जी बिल्कुल उतना ही साइन और 2 पाई ऐड कर दीजिए, 2 पाई प्लस 2 पाई विल मेक इट 4 पाई। आई नो यू नो, सबको सब पता है। बस समझ गए आप लोग मेरी बात? बेटा वो 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, आगे 8 पाई आएगा। 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं? इवन नंबर। सो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन जैसे यहाँ लिखा है वैसे कुछ यहाँ लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए और आप एग्री भी कर जाएंगे। बस एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को बच्चों की तरह ही पढ़ाना होता है। बेटा ये क्लियर है सबको? हाँ जी सर। नाउ राइट, टेन में क्या होगा घर बैठ के सोचना, उसकी हमें ज़रूरत है भी नहीं। हमें साइन और कॉस की ज़रूरत है, हमें साइन और कॉस की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पोलर फॉर्म में साइन कॉस ही आते, टेन नहीं आता। इज दैट ओके? तो अगर अगर मेरे पास ये आया साइन ऑफ 72 डिग्री या 72 सिंपली समझ लीजिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? बोलो बेटा। फिर तो ये सॉरी, फिर तो 2 पाई की जगह 4 पाई भी लिख सकते हैं। हाँ 6 पाई भी लिख सकते हैं, 2 के पाई भी लिख सकते हैं। यस थैंक यू वेरी मच। चलिए आप सबका धन्यवाद।
अब विद दिस बहुत अच्छी चीज़ सामने आएगी, ध्यान से देखना कमर कस के। देखो भाई अभी हम इन सब का पोलर फॉर्म निकालेंगे, मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ पोलर फॉर्म पढ़ने के लिए। बेटा पोलर फॉर्म में आपको बताया गया था जेड एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। वेट प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट। यहाँ थीटा तो वहाँ थीटा थीटा थीटा, ऐसा तो नहीं, दिस इज नॉट पोलर फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थीटा थीटा ही रहेगा भाई, एंगल का ज़रा ध्यान रखना। यहाँ अगर आपने पाई बाय थ्री लिया, पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री, तो वहाँ आप पाई बाय सिक्स नहीं ले सकते, वहाँ भी आपको पाई बाय थ्री से ही काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं। अरे समझ रहे हो? यस सर। ओके अभी हम निकालेंगे, इधर साथ आ जाइए, थीटा का ध्यान रखिएगा। इधर पहले वाले कोऑर्डिनेट पे एक्स की जगह कॉस आना चाहिए, वाई की जगह साइन आना चाहिए। कमर कस के तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ की अलजेब्रा की सबसे ज़रूरी चीज़, जो मॉडर्न अलजेब्रा शुरू होने वाले हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ सामने आने वाली है। ज़रा ये क्लासिक मेथड ध्यान से देखिए। यस पहला प्रॉब्लम, यस जेड इक्वल टू वन, वन कैन बी रिटन एज वन प्लस जीरो आयोटा। लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। हाँ जी, इसको कॉस थीटा आर तो है नहीं, दिख रहा है आपको, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा 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 वन थीटा टू नहीं है। हाँ जी, कॉस में वन कब आता है, साइन में जीरो कब आता है, बोलो बेटा। जीरो पे? अरे कुछ कुछ बता दो यार, अभी अभी ट्वेल्थ क्लास से टॉप करके आए हो, तो बोल देंगे तो अच्छा। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं पहला एंगल बस कैसे भी करके ना, वो कहते हैं ना किसी तरह कब्जा कर लीजिए पहला एंगल। जैसे ही आप लोगों ने पहला एंगल पहचान लिया, वैसे ही आपको याद आया, अरे साइन और कॉस का पीरियड तो टू पाए था, तो क्या मैं इसको इस थीटा को जीरो प्लस टू के पाए, क्या मैं इस थीटा को जीरो प्लस टू के पाए लिख सकता हूँ? तो लीजिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तैयार हो गई, वन का पोलर फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ यही रहेगा, कॉस टू के पाए प्लस आयोटा साइन टू के पाए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया, सभी बच्चों को? नेक्स्ट पोलर फॉर्म ऑफ माइनस वन करेंगे। माइनस वन कैन बी रिटन एज माइनस वन प्लस जीरो आयोटा। रिमेंबर ये कॉस में और आयोटा के साथ वो साइन में, ठहर जाओ, साइन में अभी भी जीरो है, साइन जीरो पे जीरो होता है। हाँ साइन जीरो पे जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो पे माइनस वन तो नहीं होता, और वो एंगल आप डिफर भी नहीं कर सकते। बताया था ना यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा ही होना चाहिए, डिफरेंट एंगल नहीं लेना है। मतलब कई बार बच्चे करते हैं ऐसा, मैंने देखा ना लाइफ में, बेटा यहाँ क्या लें यहाँ पे एंगल की साइन में से पाए पाए पाए। हाँ बहुत बढ़िया, तो पहला एंगल आपने कैसे भी हासिल कर लिया, देखिए यहाँ दिस इज कॉस ऑफ पाए प्लस आयोटा में साइन ऑफ पाए। अच्छा जी, फिर पीरियड भी तो लगाना है, उसकी भी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉस ऑफ पाए प्लस टू के पाए मेरे बेटा प्लस आयोटा साइन में पाए प्लस टू के पाए। तो ऑल इन ऑल बन गया ये टू के प्लस वन पाए। तो लीजिए माइनस वन का पोलर फॉर्म आपके सामने तैयार खड़ा है। अच्छा अब जरा दोनों फॉर्म्स मतलब याद तो कर ही लेने, दोनों फॉर्म्स देख के बताइए के क्या चीज़ है, के क्या चीज़ है, व्हाट इज के? यस इधर आ जाओ ऑल ऑफ यू, यहाँ देखो, ना 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 यहाँ देखिए बेटा, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, आगे आएगा बेटा जी, बात समझ में आ रही है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर पीरियड तीन यूनिट है तो तीन ऐड करने पे या तीन सब्ट्रैक्ट करने पे एक ही काम होगा? जी। तो ये जैसे x प्लस थ्री लिखा है x माइनस थ्री भी चलेगा, x माइनस थ्री माइनस थ्री, आप समझ गए मेरी बात। तो बेटा k इंटीजर, स्ट्रिक्टली k इज एन इंटीजर, इज दैट ओके? k इंटीजर है, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ कर लो, इज दैट ओके? हाँ जी सर।
लेट मी राइट दिस थिंग, कॉपी करिए। ये जल्दबाजी में करने वाली चीज़ नहीं है, और ये नहीं कि आप बस याद कर लो और क्रैम करने से नहीं होगा भाई, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है। पिछले अगले ये शुरू की 2-3 क्लासेस ये सब पढ़ेंगे, और बेसिक पॉलीनोमियल्स जो आपने स्कूल में पढ़े उससे आगे का काम करेंगे, थ्रू आउट अलजेब्रा में काम आएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू। डन, क्या इससे आगे बढ़ने को आप लोग तैयार हैं? सबको सभी बच्चों को पोलर फॉर्म क्लियर हो गया वन और माइनस वन का? आगे सबसे ज़्यादा काम यही आएगा, और ये अलजेब्रा यहाँ शुरू हुआ है, जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में होंगे तब तक ये काम आएगा, देख लीजिएगा। रिंग थ्योरी में बहुत आता है, लीनियर अलजेब्रा में भी आता है। इज़ दैट ओके? Yes sir. Great. Yes, the ball is in your court. That means next question is for you people. Please do it, everyone. Try कीजिए. गलत सही कुछ भी करो आप लोग, ऑनेस्ट होकर ट्राई करो, लेकिन लॉजिक लगाइए मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ। ओके ऑल ऑफ यू, कोई बात नहीं भाई, जितना भी आपने ट्राई किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। अब थोड़ा सीख लीजिए, सामने देखिए। एवरीवन प्लीज़ स्टॉप राइटिंग, प्लीज़ स्टॉप राइटिंग। ऐसे देखो भैया, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब हमें इतना तो पता है, यहाँ भी 1 लिख देता हूँ। इतना अब हमें पता है कि भाई यहाँ आएगा कॉस में थीटा और इधर आएगा साइन में थीटा, इतना आपको पता है। बेटा ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ आप ही से बात हो रही है और कोई नहीं है, यहाँ पे आप ही लोगों से बात हो रही है। अगर आप केयरफुली नोट कर रहे हैं तो कॉस में भी 1 ही है और साइन में भी 1 ही है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ध्यान देंगे तो ऐसे ऐसे चलता है, साइन ऐसे तो कॉस ऐसे, एम आई राइट? अगर कॉस 1 है तो उस एंगल पे तो साइन 0 होना चाहिए था, लाइकवाइज अगर साइन 1 है तो उस एंगल पे कॉस 0 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। लेकिन यहाँ से इतना पता लग गया कि आपको ऐसा एंगल देखना है जिसमें दोनों इक्वल, एक मिनट, दोनों किस एंगल पे इक्वल आते हैं? साइन कॉस पाई बाय फोर, पाई बाय, व्हाट इज साइन पाई बाय फोर एंड व्हाट इज कॉस पाई बाय फोर? 1/√2। तो लेके आओ ना 1/√2, यार किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ देखो, बस मिल गया हिंट, लीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। इज दैट क्लियर? अरे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कॉस पाई बाय फोर प्लस आयोटा में साइन पाई बाय फोर
अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, सब आज ही नहीं सीखेंगे, आज ही पीएचडी नहीं कर लोगे, लेकिन धीरे 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी मेरे बेटा, पीरियड विल यू टेल मी समथिंग? वेयर के इज एन इंटीजर। हाँ जी, फॉर्म सबको क्लियर है? लॉजिक सबको क्लियर है? यस सर। करो नेक्स्ट। इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, स्लाइड को जो चली गई है। ज़रा बेटा ये निकालिए। हाँ जी, आप ही को करना है। डू इट डू इट, ट्राई करो ट्राई करो। ओके, आई होप आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, आप सभी लोग स्टूडेंट्स। हैव अ लुक एट दिस बुक। कोई बात नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो भाई ये वन प्लस माइनस वन आयोटा, अब ये साइन में इधर लिखना है और कॉस में इधर लिखना है, अगेन वही वही वाली प्रॉब्लम आ गई। तो वही रूट टू वाला काम करिए ना, जो भी सिखाया गया था आपको। रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया नहीं किया, या बीच में अटक गए? जवाब नहीं देते तुम लोग? हाँ yes, कोई बात नहीं। तो कॉस में वेट 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 वेट, साइन में। हाँ जी, आप ही को कह रहा हूँ वेट करने के लिए। देखिए यहाँ अगर पाई बाय फोर लिखेंगे तो मजबूरी होगी वहाँ भी पाई बाय फोर लिखना। तो कॉस पाई बाय फोर तो ठीक है, लेकिन साइन पाई बाय फोर इज प्लस वन बाय रूट टू, इज इट प्लस? ना ना ना, फिर तो फंस गए। अब क्या करें सर? हम सब, हाँ हम सबको पता है, हम सबको पता है कि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा तो गड़बड़ है। तो भाई साइन को देखो, कॉस तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। साइन को देखते हैं, साइन में कितना एंगल ले कि माइनस पाई बाय फोर काम करेगा या नहीं करेगा, बस ये बता दीजिए ऑल ऑफ यू। ओके, डायग्रामेटिकली बताएं अगर आपको। तो भाई ये है आपका थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। दिस फाइन, क्या क्या परेशानी? दिस इज माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ भी माइनस। अब बताओ हो रहा है काम या नहीं? डेफिनेटली हो रहा है, इसी लॉजिक के साथ आपको काम करना है। हाई फाई बुक्स या हाई फाई कॉन्सेप्ट से पहले अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको सब समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना? यस सर। करो करो, डू इट ऑल ऑफ यू। ठीक है, हो गया।
अब जब करना ही है आप लोगों को, छोड़ना तो है नहीं, तो ज़रा ये लॉजिक भी देखिए। ये लॉजिक आप सबको काम आएगा, थोड़ा सा एक तरह से कह कह सकते हैं कि थोड़ा सा शार्प हो जाएंगे हम। हाँ जी, आपने स्कूल में वाई इज इक्वल एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है, बेटा इसको कितने डिग्री का लाइन बोलते हैं? स्पीक अप ऑल ऑफ यू। 45 डिग्री, पाई बाय फोर। हेलो, ये पाई बाय फोर, बहुत बढ़िया। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पाई बाय फोर, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर का लाइन। यस दिस, सॉरी, दिस एंगल इज पाई बाय फोर, ये दिख रहा है आपको पाई बाय फोर। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ऐसे नहीं, सोच समझ के जवाब देना है। ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये पाई बाय फोर है, ये कितना है? थोड़ा बता दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो कुछ बताओगे या नहीं बताओगे? थ्री बाय फोर। थैंक यू वेरी मच। अब देखिएगा जरा ध्यान से, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूँ। एक तो पोलर फॉर्म जैसे निकाला था वो तो निकाला ही था। यस एंगल, फोर देखो बेटा, हाँ बिल्कुल, जो भी आप जो भी लॉजिक लगा रहे हैं ध्यान से सुनो, ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, दिस वाज पाई बाय फोर, ओके, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय टू, दैट इज मतलब 2 टाइम्स पाई बाय 4, ये हो गया 3 टाइम्स पाई बाय 4, ये हो गया 4 टाइम्स पाई बाय 4। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बोलो भाई, सर। देखते जाइए, पाई बाय फोर, देन 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। हाँ, यू नो यू नो, ठीक है। अब जो मैंने पिछले वाले दोनों दिए हैं आपको, बेटा जी ज़रा ध्यान से देखना, और मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चीज़ है। पहला दिया था आपको 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म निकालना, फिर दिया था 1 माइनस आयोटा, तो आपके दिमाग में ये भी होगा भाई, जब उनका निकल सकते हैं तो फिर तो इनका भी निकलना चाहिए। निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? डेफिनेटली। बेटा क्या मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 1 1 से? यस और नो? यस सर। बोलना शुरू करो। हाँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। माइनस वन अगर माइनस किसी स्कूल के बच्चे को बोला जाए कि भाई ये 4 पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर दें, हाँ तो कर लेगा क्या? 1 1 यहाँ नहीं लाई करेगा, इधर कहीं? बोलो बेटा, यस सर। उसका थीटा तो फ्री में ही रखा हुआ है, और ये आपका 0 0 ओरिजिन है ही। बेटा 0 0 से 1 1 का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बता दो यार, ऐसे ही अंडर रूट में, टू रूट टू, रूट टू। थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ ही गए, अगर मैंने जेड को लिखा है 1 प्लस आयोटा, तो यू नो क्या कैसे लिखा जाएगा इसको पोलर फॉर्म में? रूट टू इंटू कॉस भी दिख रहा है आपको, साइन भी दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब बोल क्यों नहीं रहे? यस ऐसे ही सब में आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट वेट वेट, साथ रहिए। 1 माइनस 1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, किधर होता है? चार कोड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बेटा कुछ बोलना पड़ेगा, थोड़ा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे चुप चुप रह के कुछ। सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यहाँ यहाँ पक्का यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। पहले डिसाइड तो कर लो यार। हाँ अभी यहाँ एंगल कितना आएगा? अभी आपको तरीका समझाया था, क्या एंगल आएगा बेटा? 7 पाई बाय 4 आएगा। बोलिए बोलिए। यस सर। बट दैट 7 पाई बाय 4 इज सेम एज -5, बिल्कुल ठीक है, जो हमने किया था बिल्कुल ठीक है। रेस्ट यू नो क्या क्या करना है। अब ये बाकी बचे हुए दो का भी आप आराम से पोलर फॉर्म निकाल ही सकते हो, तरीका तो आपने समझ ही लिया आप सबने। ओके, थोड़ा सा आ जाते हैं। यस, ये वाला, हाँ जी ये वाला, दिस वन, जेड इक्वल टू, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, किधर लाई करेगा? आई एम आस्किंग। थर्ड क्वाड्रेंट में। धन्यवाद आपका सबका। इसके लिए थीटा बता दीजिए कितना होगा, तरीका बता। एंड यू नो पोलर फॉर्म क्या आने वाला है, जो एंगल दिख रहा है उसमें 2 के पाई ऐड कर दीजिएगा। क्लियर हो गया सबको? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? देखिए थोड़ा सा चीज़ों को मतलब कन्फाइन करके देखना है, थोड़ा सा एडवांस है, एकदम से नए नए बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने आपको पुराना लॉजिक भी समझा दिया है, इस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं,
और उसके बाद जब उस पर कमांड हो जाए तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं. इज दैट ओके? हेलो. यस सर. ऑल ऑफ दिस अपना अच्छे से लिख लीजिए और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब जब भी जब जब कभी भी आप लोग पढ़ने आएंगे तो आपके पास कम से कम एक डिफरेंट कलर का पेन तो होना ही चाहिए या हाइलाइटर, उसके बिना काम नहीं चलेगा. क्लास में आना है तो तैयार हो के आओ, जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना. समझ में आ गया लॉजिक? क्लियर है ना? देखिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये लेंथ रूट टू, ये लेंथ भी रूट टू दिख रहा है आपको, ये भी रूट टू, सारा रूट टू ही है, कुछ और तो होना नहीं. चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट वन लास्ट थिंग. ये थोड़ा एडवांस हो गया, स्टिल आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने निकालने का तरीका पहले ही कर लिया था. गलत तो नहीं कह रहा, डर तो नहीं गए ना पिछला कॉन्सेप्ट देख के? मतलब थोड़ा एडवांस है. बोलो भैया थोड़ा सपोर्ट करो. Yes, students, are you still there or gone? Still there, sir. अच्छा डर गए? ऐसे तो करिए. लास्ट थिंग इससे ज़्यादा एडवांस नहीं कराएंगे आज, बस लास्ट है. थोड़ा सांस ले लो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ सभी बच्चे देखेंगे, z है 1 + √3 i. सभी स्टूडेंट्स सामने देखें भाई, ये cos थीटा और ये sin थीटा. तो आपको पता है sin देखो पहले, sin रूट थ्री, एक मिनट, sin और cos का तो वैल्यू ही 1 - 1 के बीच में लाई करते हैं और रूट थ्री इज 1.7 समथिंग. तो बेटा ये sin √3/2 होता है, sin √3 नहीं होता है. मैं राइट? यस सर. तो यू नो टू लाने के लिए क्या करोगे आप? लॉजिक तो समझ ही गए आप. हाँ जी ऐसे ही करिए, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा. हाँ सॉरी, बस अब ये एडजस्ट आराम से हो जाएगा. cos प्लस आयोटा साइन. हाँ जी साइन में √3/2 60 डिग्री. तो यहाँ भी पाई बाई 3. थैंक यू वेरी मच. तो दैट इज़ 2 times. यू नो पीरियड याद आ रहा होगा आपको आज का, आज का पीरियड याद आ रहा है? यस सर. थैंक यू. जस्ट यू नो जस्ट वेट, अब घर बैठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिएगा. तरीका आपने समझ लिया, सामने लिखा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ करके आना. नहीं आए तो यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्यों? आपस में कर लेना, क्या हो गया? तरीका तो आपको बता ही दिया है. 4 ये हो गए, उसके बाद z = iota का करना है, z = -iota का करना है. ये सब करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स करेंगे. वेट, पॉलिनोमियल डज नॉट मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्कूल में बहुत कर लिया आपने, स्कूल में क्यूबिक नहीं किया था, किया भी था तो थोड़ा बहुत टच किया था. 4th डिग्री तो 5th 6th सब कुछ आएगा भैया. आर यू प्रिपेयर्ड? हाँ पूरा अच्छे से करके आइएगा. हेलो आर यू लिसनिंग? बेटा क्लास ठीक ठाक रही? मतलब कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? बता दो कोई शिकायत है तो. No, yes, no, no, nothing. How was the class? Good. Chalo. Thank you. Jaldi hi milte hain next class mein. Thank you very much. Thank you.